मारुति सुजुकी अल्टो 800 कार है आफ्टर मार्केट सीएनजी। फ्रेंड्स, कस्टमर कंप्लेन है कि सुबह में पेट्रोल लीकेज हुआ था, तो लीकेज का काम करवाने के बाद गाड़ी पेट्रोल में स्टार्ट नहीं हो रहा है और सीधा सीएनजी के अंदर होता है, तो गाड़ी यहां पे लेके आए। मारुति सुजुकी अल्टो 800 है फ्रेंड्स, आफ्टर मार्केट सीएनजी, और गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम ही है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और मैं दिखाता हूँ आपको, अभी पेट्रोल के अंदर स्टार्ट होगी, सेल लगाते हैं। तो आप देखते हो फ्रेंड्स, स्टार्ट नहीं हो रही है, लॉन्ग सेल्फ ले रही है। तो अभी करें सीधा सीएनजी के अंदर स्टार्ट। तो सीएनजी के अंदर फ्रेंड्स स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी। तो गाड़ी के अंदर मेन रीजन यही है, गाड़ी सीएनजी के अंदर डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं मैन्युअली तो हो जा रहा है, और पेट्रोल के अंदर स्टार्ट नहीं हो रही। और पेट्रोल पे फ्यूल इंडिकेटर लैंप पे आप देख सकते हो कितना दिखा रही है यहाँ पे। तीन इंडिकेटर लैंप यहाँ पे है, तीन पॉइंट पेट्रोल का, और उसको चेक हमने एयर क्लीनर निकाल लिया है फ्रेंड्स। और ये पेट्रोल का पाइप निकाला हुआ है, ये बोतल के अंदर हम लगा रहे हैं। इग्निशन ऑन करने पर यहाँ पर पेट्रोल आना चाहिए, गाड़ी सेल्फ लगाते तब भी आना चाहिए, और यहाँ पर पेट्रोल नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पेट्रोल आना चाहिए, वो पेट्रोल नहीं आ रहा है। तो ये मेन फ्यूल पंप का जो पाइप है वो निकाला हुआ है हमने यहाँ से। तो अब इसका करंट चेक करते हैं। तो करंट चेक करने के लिए विष्णु सेल्फ लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, सीट ओपन किया हुआ, यहाँ पे सॉकेट लगाया हुआ है, वहाँ पर हमने ये सीरीज बल्ब लगाया हुआ है। इग्निशन ऑन करो, तो यहाँ पर लाइट जल रहा है, यानी कि करंट सही से आ रहा है। फिर से एक बार, तो ये परफेक्टली जम रहा है, यहाँ पर सीरीज जल रही है। सेल्फ लगाओ, सेल्फ ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वोल्टेज सही से आ रहा है। कपलर के पीछे हमने चेक किया, जो फ्यूल पंप का जो तार जा रही है वहाँ पे, तो यानी कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल का इंडिकेटर जो है वो गलत दिखा रहा है, करंट सही से आ रहा है। हमने मैन्युअली चेक किया वहाँ पे हाथ रख के, तो वो भी पेट्रोल यहाँ पे। एक बार इग्निशन ऑन करो, शायद आपको कैमरे में साउंड सुनाई दे। फिर से एक बार, कार पेट्रोल में स्टार्ट नहीं हो रही फ्रेंड्स, उसका मेन रीजन है गाड़ी को पेट्रोल नहीं मिल रहा है, लेकिन फ्यूल इंडिकेटर वो तीन पॉइंट दिखा रहा है, यानी कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल है। मोटर फिर भी शायद हमें ऐसा लगता है सीएनजी कार है, फ्यूल इंडिकेटर में कहीं लफड़ा होगा या कुछ जाम बाम हो गया होगा। तो हम फिर से एक डब्बा पेट्रोल का डाल के चेक करते हैं। तो पेट्रोल भी डाला हमने, तो चेक करते क्या है। पेट्रोल डालने के बाद भी चेक किया फ्रेंड्स, तो मेन पाइप में पेट्रोल नहीं आ रहा है आगे। पेट्रोल टैंक है फ्रेंड्स पीछे वाला, और यहाँ पे ये फ्यूल फिल्टर है। तो ये हमने यहाँ पे ओपन किया, तो फ्रेंड्स पेट्रोल आ रहा है यहाँ पे इग्निशन ऑन करने पे, आगे नहीं जा रहा है। यही दिक्कत है इस गाड़ी के अंदर, मोटर्स को वोल्टेज मिलता है, मोटर ऑन होता है, यहाँ पे पेट्रोल भी आता है, लेकिन आगे पेट्रोल नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस गाड़ी के अंदर मेन प्रॉब्लम, मोटर भी ऑन हो रहा था, पेट्रोल का इंडिकेटर भी बता रहा था, फिर भी हमने 5 लीटर पेट्रोल डाला और फिर भी गाड़ी को स्टार्ट करते थे तो पेट्रोल आगे नहीं आ रहा था। तो इस गाड़ी के अंदर सीनेरियो क्या हुआ मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। सुबह में ये पाइप कस्टमर के पास लीकेज हुआ था, तो उन्होंने काट के पाइप को ज्वाइन कर लिया था आगे से। तो ये लगाते समय जो नीचे जो मेन पाइप आता है वहाँ पर इन्होंने ये गलत तरीके से लगाया है। तो इसके अंदर जो मेन रहता है ना इंसुलेशन, वहाँ पे ही ब्लॉकेज हो गया था। ये पाइप इस तरीके के रहना चाहिए, अब देख सकते हो एक एक साइड पे इस यहाँ पे इंसुलेशन है अंदर वाला जो पाइप का, और इसके अंदर इंसुलेशन नहीं है, तो इसकी वजह से ये चौकअप हो चुका है पाइप। तो यहाँ से एयर लगाते तो उस तरफ जाता ही नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एमजीबी का दूसरा पाइप लेके आए हम, तो मैंने यही
जब फीडिंग करते हैं तो ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसके अंदर दो इंसुलेशन रहते हैं फ्रेंड्स, तो वही कस्टमर के साथ वो हॉल बंद हो गया था, इसकी वजह से पेट्रोल आगे नहीं आ रहा था। तो मैंने काट डाला है, तो आपको दिखाता हूँ। एक ऊपर वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला है पार्ट, और एक नीचे वाला है, तो ये इस तरीके से हो गया था, तो पेट्रोल आगे आ ही नहीं रहा था फ्रेंड्स। तो गाड़ी के अंदर फ्यूल इंडिकेटर वो भी सही है, मोटर भी ऑन हो रहा है, वोल्टेज मिलता है, और पेट्रोल भी फ्यूल फिल्टर हमने ओपन किया तो वहाँ पे आ रहा था। तो यही प्रॉब्लम था मैन, तो ये न्यू पाइप डालने वाले हैं, तो डाल दे। तो फ्रेंड्स ये पाइप टेढ़ा हो गया था अंदर से, इसलिए यहाँ से पेट्रोल नहीं आ रहा था, तो हमने दूसरा पाइप लगा दिया है। अब इग्निशन ऑन करो, आप देख सकते हो सही से पेट्रोल आ रहा है फिर से एक बार। ओके, तो आप जब भी पेट्रोल का पाइप लगाओ तो ये भी ध्यान रखें। इसके गाड़ी के अंदर कस्टमर ने ये पाइप कट गया था, तो ये काट के फिर से पाइप लगाया था, तो ये टेढ़ा हो गया था अंदर से। दो इंसुलेशन रहते हैं, तो ये टेढ़ा हो गया था, तो पेट्रोल आगे आ ही नहीं रहा था। तो कस्टमर सीएनजी स्टार्ट करके यहाँ पे आया था, तो हमने ये न्यू पाइप लगा दिया है, और अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो लगा दो पाइप, कार ओके फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट। पेट्रोल के अंदर है फ्रेंड्स गाड़ी, इग्निशन ऑन करते हैं गाड़ी स्टार्ट। तो गाड़ी पेट्रोल के अंदर परफेक्ट स्टार्ट है फ्रेंड्स। जो पहले दिक्कत थी, तो पेट्रोल तो सही था, लेकिन जो पाइप था वो लगाने में गलती हो गया था, तो इसकी वजह से गाड़ी पेट्रोल नहीं मिल रहा था और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे मोटर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मारुति सुजुकी अल्टो 800।